नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है। मेरी एक कोशिश है कि श्रीमद् भगवत गीता का सभी अध्याय सरल और सहज ढंग से आपके लिए प्रस्तुत करूं। 14वां अध्याय तक आपने स्टोरी विथ रणजीत पर जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुन लीजिए। सभी मानव समुदाय को श्रीमद् भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सुनाता हूं श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जो पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करते हुए अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत है। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों को जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूपों से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य यानी परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है तथा जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद यानी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए चार प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और सूंघने वाले अन्नों को पचाता हूँ।
मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझ में ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान यानी क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है, क्योंकि मैं ही क्षर अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं। इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से मानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।